इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, तो ये आज का नया चैप्टर है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड व्हिच आर टेकन टू एक्वायर द स्कार्स मीट दैट इज बेस्ड टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। तो ये डिस्मिनेशन है जो मैंने पढ़ा, वो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन बताया गया है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है एक ह्यूमन के बारे में कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस, जिसको स्कार्स रिसोर्सेस भी बोलते हैं, उससे अनलिमिटेड वांट्स कैसे पूरा करता है। उसके बाद आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड से बना हुआ है, ऑकिस और नेमिंग, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड करने का मतलब एक इंडिविजुअल अपना हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कहने का हाउस होल्ड उसे कहते हैं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड डिसीजंस, जैसे कि आप ये अपने खुद को ले सकते हैं कि अगर किसी गुड्स का प्राइस 10 रुपीज से राइस प्राइस 15 हो गया तो आपका क्या, इस पर आपका क्या बिहेवियर होगा। हो सकता है ये आपका पेन का प्राइस दिया हुआ है 10 रुपीज और कुछ दिन बाद 15 रुपीज हो गया, तो क्या उसे आप ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे। तो इस तरह का जो भी हाउस होल्ड सेक्टर का जो भी डिसीजन होता है उसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसी में आगे आप पढ़ सकते हैं जैसे कि देखिए द मीन्स द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। आगे इसमें भी लिखा हुआ है कि इकोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ, कहने का मतलब किसी एक इंडिविजुअल का वेल्थ, किसी एक कंपनी का वेल्थ हो सकता है या भी किसी एक कंट्री का वेल्थ होता है। तो जो भी है वो किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक के अंदर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन एंड व्हाट इज इकोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। चलिए आगे है स्कैर्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब है व्हाट इज, पहले हम लोग देखेंगे स्कैर्सिटी होता क्या है। तो स्कैर्सिटी का डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन दैट यू हैव टू लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। ये कैसे, ये इसका मतलब ये है कि जब भी कितना बड़ा भी आदमी हो जाए, चाहे कितना अमीर भी हो जाए, लेकिन उसके पास उसका वांट्स, उसके पास लिमिट, उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उससे ज्यादा ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि पहले हम लोग के पास साइकिल नहीं हुआ करता था तो हम लोग साइकिल के लिए सोचते थे, अब जब हम लोग के पास साइकिल हो गया तो हम लोग किसके बारे में सोचते हैं, बाइक के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम लोग के पास बाइक हो जाएगा तो हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, कार के बारे में सोचेंगे। मतलब कि दिन पर दिन जो हमारा वांट है वो जाते जा रहा है। पहले लेकिन साइकिल के हिसाब से मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे जिसमें उसे मान सकते हैं पैसा जो लिमिटेड था। अब धीरे पर दिन अब बाइक लेने का मन है तो उसके हिसाब से भी लिमिटेड है पैसा। अब कार लेने का मन है, मतलब कि हमेशा जो हम लोग के पास कमी होती है उसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैर्सिटी। मतलब क्या, व्हाट यू हैव इज, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, मतलब जितना आप चाहते हैं उससे कम। ये सिचुएशन हमेशा बना रहता है, चाहे वो किसी कंट्री के बारे में हो, किसी इंडिविजुअल के बारे में हो या फिर किसी फर्म के बारे में हो। नेक्स्ट वर्ड है जो हम लोग को पढ़ना है वो है चॉइस। तो चॉइस देखते हैं क्या है डिफिनेशन चॉइस का। चॉइस रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव टू इमर्ज बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड अल्टरनेटिव यूजेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्कैर्सिटी क्या है, किसी व्यक्ति के पास लिमिटेड इन द सेंस, कहने का मतलब ये कोई व्यक्ति है उसके पास क्या है, पैसा की कमी है, मतलब कि ये लिमिट तक ही है, इसके पास लिमिट ही है। हो सकता है उसके पास 100 रुपया हो, 1000 हो, मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, उससे क्या वो जितना उसका वांट्स जो उसके माइंड में चल रहा है वो पूरा हो जाए। अब इसका एग्जांपल आप किसी से भी ले सकते हैं, मुकेश अंबानी है। अब मुकेश अंबानी के पास कितना भी पैसा आ जाए,
कितना भी पैसा, भले ही वो पूरा एक इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो, पर जब इंडिया का अमीर व्यक्ति बन जाएगा तो उसके माइंड में क्या चलेगा, पूरे एशिया का अमीर व्यक्ति हम कैसे बने, मतलब कि क्या हुआ, उसका जो वांट्स था वो धीरे धीरे ऊपर चला गया। तो हम लोग का भी वांट्स धीरे धीरे ऊपर जाता है, मतलब जितना हम लोग के पास रिसोर्सेज होता है उसमें कमी होता है हमारे सोच के अनुसार से, उसी को स्कार्सिटी बोलते हैं। अब जब स्कार्सिटी रहेगा, हम लोग का वांट्स तो अनलिमिटेड रहेगा, तो हम लोग को चूज करना पड़ेगा कि ये लिमिटेड रिसोर्स है, जो लिमिटेड मनी है, उससे हम अपना अनलिमिटेड वांट पूरा कैसे करें। इसका एग्जांपल हम आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि देखिए एक आसान सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, शायद आपको तुरंत समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसका दिन भर का मजदूरी जो है, मजदूर है किसी कोई, उसका मजदूरी जो है 400 रुपीज है, 400 रुपया है, पर उसके दिमाग में बहुत सारा बात है। बात में क्या हो सकता है, हो सकता है वो रोटी बन चाहता हो, रोटी चाहता हो, साथ ही रोटी के साथ उसे घर भी चाहिए, घर भी उसके दिमाग में बना लो, मैं अपना घर बना लूँ, रोटी भी बना लूँ, मतलब घर में रहूँ, अच्छे से रहूँ, रोटी चाहिए। साथ ही साथ अगर उसका बच्चा है, पढ़ता लिखता है, उसके लिए पेन कॉपी टॉफी चाहता होगा, ठीक है, पर उसको 400 रुपीज में ही इतना सारा वांट्स को पूरा करना, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब कि अब उसको क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। चॉइस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स, स्कार्स इसके पास लिमिटेड है, एंड द रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। और इस 400 रुपया का यूज कहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि 400 रुपया का आटा ले लाए और राशन का सामान लेकर आए, और साथ ही साथ एक हफ्ता का राशन बना के खाए और रोटी खाए, लेकिन साथ में 400 का यूज कहीं घर पर कर सकता है, घर बनाने के लिए सेविंग कर सकता है, हो सकता है छत ढकने के लिए, अब छप्पर डालने के लिए 400 का यूज कर सकता है, हो सकता है वो 400 का कॉपी चाहे किताब अपने बच्चों के लिए ला सकता है। लेकिन मतलब कि क्या है कि इस व्यक्ति के पास अनलिमिटेड वांट्स है, पैसा लिमिटेड है, लेकिन इस पैसा का अल्टरनेटिव यूज है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा, या तो हम लोग रोटी लेकर आए, या फिर घर के लिए इन्वेस्ट करें, या फिर अपने बच्चों को पढ़ाएं, या फिर वगैरह वगैरह मेडिकल हो सकता है, या फिर कहीं भी कुछ भी, ठीक है। तो अब हम लोग को चॉइस कैसे करना, हो सकता है इसने, अब इसने सोच लिया, इसने सोचा कि मैं 100 रुपया का राशन लेकर आऊंगा, 200 रुपया क्या करूंगा, 200 रुपया को मैं सेव कर लूंगा अपने घर बनाने के लिए, और साथ ही साथ 100 रुपया जो बच गया उसको क्या करूंगा, अपने बच्चों को कॉपी किताब ला कर दूंगा, पढ़ाई करने के लिए किताबें ला कर दूंगा, पेन ला कर दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये क्या हुआ कि ये जो इसने क्या किया, चॉइस किया। तो क्या है, चॉइस प्रोसेस है, चॉइस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव टू इमर्ज, बिकॉज मतलब कि चॉइस क्या है, प्रोसेस है, जो हम लोग का जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, उस अल्टरनेटिव्स है, उसमें से चूज करना है कि कौन सा काम को करना है, कौन सा काम हम लोग को नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चॉइस क्या है, स्कार्सिटी क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से हम लोग देख सकते हैं, देखिए इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर टॉपिक का नाम क्या था, स्कार्सिटी चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम लोगों ने तो जान लिया कि ये स्कार्सिटी क्या है, चॉइस क्या है, बट बोला क्या गया है, स्कार्सिटी और चॉइस है जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस मतलब कि इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट, या फिर मैनेजमेंट का जो बोलते हैं ब्लड, या फिर मुझे बहुत किसी चीज के लिए इम्पोर्टेंट हो, वैसे हम लोग के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए क्या है, चॉइस और स्कार्सिटी इम्पोर्टेंट है। आप इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड मनी है, मतलब कि उसका लिमिट नहीं है, बहुत मनी एकदम, मतलब कि उससे कुछ भी खरीद सकता है। तो ये क्या हुआ, स्कार्सिटी हुआ, यहाँ पे स्कार्सिटी नहीं हुआ, स्कार्सिटी नहीं हुआ, तो क्या उसको चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि वही मजदूर है, अब मजदूर के पास क्या आ गया, बहुत पैसा आ गया। अब जब बहुत पैसा आ गया तो वो रोटी भी खरीद लेगा, घर भी बना लेगा, साथ से बच्चों को भी पढ़ा लेगा, चाहे उससे भी अल्टरनेट काम बहुत सारा कर सकता है, बहुत सारा काम, जमीन खरीद लेगा, शॉपिंग कर लेगा, कपड़ा खरीद के देगा, मतलब उसके पास क्या है, अनलिमिटेड पैसा, एकदम पैसा की
कमी नहीं है, बहुत पैसा है, तो क्या है स्कैर्सिटी नहीं है। जब स्कैर्सिटी नहीं होगा तो चॉइस नहीं होगा, और जब हमको चॉइस नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्यों। हम लोगों ने तो आगे पहले तो पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी या अल्टरनेटिव, कैसे कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड पैसा के साथ अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें। तो हम लोगों ने टॉपिक देखा कि क्या है स्कैर्सिटी, क्या है चॉइस, क्या है, और कैसे स्कैर्सिटी और चॉइस इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये प्रोसेस बताया गया एसेट्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या है एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एलोकेशन स्कार्स रिसोर्सेज इज देयर अल्टरनेटिव यूज। यही मतलब इकोनॉमिक्स में है कि कैसे हम लोग अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कैसे कोई व्यक्ति के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके साथ उसके पास अनलिमिटेड वांट्स है, उसको पूरा करेगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का स्टडी है। पर देखिए फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति के साथ अलग अलग चीज होता है, हर व्यक्ति का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। अब एक दुकानदार है, वो चाहता है कि गुड्स का दाम बढ़े तो हमको प्रॉफिट हो, ज्यादा गुड्स का प्रॉफिट। लेकिन यही एक कंज्यूमर है, वो चाहता है कि गुड्स का दाम घटे तो उनको ज्यादा गुड्स खरीदता है। एक प्रोड्यूसर रहेगा ज्यादा प्राइस चाहेगा, एक जो कंज्यूमर रहेगा वो कम प्रोडक्ट चाहेगा। गवर्नमेंट चाहेगा सोशल वेलफेयर हो, मेरी सरकार है, मेरा देश है, उस देश में क्या हो सोशल वेलफेयर होते रहे, लोग अच्छे से रहे, खुशी से रहे, यही उनका मोटिव होगा। तो क्या है अलग अलग लोगों का अलग अलग मोटिव होता है। अब देखिए अलग क्या किसका क्या मोटिव होता है इसको बताया गया। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर है किसी गुड्स को खरीदता है कंज्यूम करने के लिए, क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। अब मान लीजिए कि क्या है कि वो ब्रेड खरीदने वाला है, ठीक है, तो ब्रेड क्यों खरीदता है, खाने के लिए, अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन देने के लिए है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो उसका क्या रहेगा कि हम कम पैसा लगाए और हमको ज्यादा रोटी मिले जिसमें हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए, मेरा भूख ज्यादा मिटे। तो इसका मोटिव क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो कंज्यूमर का क्या सेटिस्फेक्शन, क्या मोटिव होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज अ प्रोड्यूसर। अब यही कोई रोटी बनाने वाला दुकानदार होगा या फिर कहीं ना प्रोड्यूसर होटल में प्रोड्यूसर होगा, तो रोटी क्यों बना रहा है, रोटी बनाने के पीछे का कारण ये है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना पड़ेगा और ज्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा तो प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि क्या है, प्रोड्यूसर का क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट। वही है लास्ट, अब क्या है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। अब एक गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट सोचेगा, जो एक गवर्नमेंट है कहने का मतलब पूरा देश के बारे में सोच रहा है, पूरा देश के बारे में सोच रहा है। तो क्या है कि लोग खुशी से रहे, कैसे रहे, खुशी से रहे, यही उसका मोटिव होगा। तो तीनों ये तीन मोटिव होता है इकोनॉमी में, ये तीन मोटिव होता है और तीनों अलग अलग होता है। तो एक ये किसी इसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो इसका मोटिव ये होगा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर के हिसाब से, प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचेंगे तो प्रॉफिट कमाना उसका मोटिव होगा, गवर्नमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो सोशल वेलफेयर मोटिव होगा। तो इसे ही आगे हम लोग को पढ़ना होगा, मैं इसे आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे बुक में, टी आर जैन का जो बुक, जो पीडीएफ जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है, देखते हैं क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज ओरिजिन ग्रीक वर्ड कॉल्ड माइक्रोस व्हिच मींस अ स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमी माइक्रोस माइक्रोस वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, क्या होता है मतलब स्मॉल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ई स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमिक्स यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और इकोनॉमिक स्मॉल ग्रुप ऑफ द इकोनॉमी यूनिट लाइक डिमांड सॉल्ट ऑफ द हाउसहोल्ड माइक्रो इकोनॉमी। दस द इंक्लूड्स
स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी एंड डिटरमिनेशन ऑफ द फ्लोइंग एंड द फैक्टर प्राइसिंग। अब देखिए क्या बताया गया है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी होगी, इंडिविजुअल लेवल पर, करने का मतलब कि एक व्यक्ति का सोच क्या होगा। अगर वो कंज्यूमर है तो क्या सोचेगा कि हमको कम पैसा में कैसे मैक्सिमम चीज मिल जाए। हो सकता है वो एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट चाहता हो कि हमको 10 रुपया मिला है घर से, 10 रुपया का हम पेन लेकर आए और चॉकलेट भी खा लें वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह का स्टडी जो करना है कि अब इसमें स्टडी करेगा कि कितना का चॉकलेट लगा, क्या करेगा। अगर मान लीजिए पेन का प्राइस 5 से हो गया 10 तो क्या पेन ज्यादा खरीद देगा कम खरीद देगा, या फिर 20 से 10 हो गया प्राइस तो क्या करेगा। तो क्या हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, ये कौन सा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं हाउस होल्ड, क्या बोलते हैं हाउस होल्ड, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ये इंडिविजुअल मतलब जो कंज्यूमर हो गया, वही एक इंडिविजुअल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं एक फार्म है, एक बिजनेसमैन है, वो क्या सोचता है, वो सप्लाई कैसे करता है। मान लीजिए मार्केट में कुछ गुड्स का प्राइस जो वो प्रोड्यूस करता है 10 चल रहा, तो कितना जो सप्लाई कर रहा है, पर साथ ही साथ अगर वही गुड्स का प्राइस अगर 20 हो जाता है तो क्या वो सप्लाई बढ़ाता है या घटाता है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो किसके अंदर में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एज ए इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल फार्म या इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, इसमें एक से ज्यादा लोग। अब वही जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग किसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिन ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। यहाँ पर जो माइक्रो था वो माइक्रो से बना था, उसका मतलब था स्मॉल। लेकिन यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक है मैक्रो वर्ड से बना हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या है लार्ज। इट स्टडी द इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल कहने का मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे इकोनॉमी एज अ होल। होल कहने का मतलब एक पूरे कंट्री के बारे में, एक कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है उसको पूरा कंट्री के देखना है कि नहीं, कुछ एक व्यक्ति को तो देखना ही नहीं है। तो पूरा कंट्री में जितना लोग होगा तो वो कितना किसी चीज का डिमांड सप्लाई कैसे करेगा। मान लीजिए कि इस देश में किसी गुड्स का प्राइस चल रहा है 10, तो कितना लोग का सप्लाई बढ़ रहा है कि सप्लाई घट रहा है, कि डिमांड बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, सब क्या होगा वो इकोनॉमी एज अ होल है। होल क्यों है, क्योंकि पूरा कंट्री के बारे में बात कर रहा है, पूरा स्टेट के बारे में बात कर रहा है। अगर वही किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता तो ये हो जाता माइक्रो इकोनॉमी, पर अब पूरा कंट्री के बारे में बात कर रहा तो क्या हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। तो आप समझ चुके हैं इकोनॉमी एज अ होल क्या है। अब इसमें हम किस किस चीज का स्टडी करते हैं देखते हैं। माइक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। नेशनल इनकम पूरे देश का इनकम, पूरे देश कितना कमा रहा है, किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड है नहीं, पूरे देश से रिलेटेड है, तो क्या हो गया माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आ गया। दूसरा वर्ड है टोटल एम्प्लॉयमेंट, देश में कितना बेरोजगारी है, कितना रोजगार है, कितना बेरोजगार है, तो उसके बारे में स्टडी है। तो कितना किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में है। तो ये जब पूरे बहुत सारे व्यक्ति के बारे में है तो क्या हो गया इकोनॉमी एज अ होल। तो इसको किस में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमी में। जनरल प्राइस लेवल, प्रदेश का प्राइस लेवल क्या है, बहुत ज्यादा क्या महंगाई बढ़ी हुई है घटी हुई है क्या है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है माइक्रो इकोनॉमी के बारे में। तो दोनों देखिए इसको समझने का सिंपल तरीका है, माइक्रो इकोनॉमी में देखिए बस माइक्रो माइक्रो जिसका मतलब होता है स्मॉल, यही सिंपल सा है माइक्रो, आई की जगह पर ए लगा दिए माइक्रो हो गया, और उसका मतलब क्या हो गया लार्ज। जब स्मॉल है तो किसी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जब लार्ज है तो किसी देश के बारे में पढ़ेंगे और पूरे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, यही है, यही डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या है। पहला ये हाउस होल्ड, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में है, इकोनॉमी एज अ होल है।
क्या है माइक्रोइकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विद डिटरमाइन आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो प्राइस है उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, वह मैक्रोइकोनॉमिक्स से पूरे देश में क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टडी ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स ज्यूम तब देखिए जब हम लोग माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि जो मैक्रोइकोनॉमिक्स से जितना भी रिलेटेड टर्म है वो क्या है, एकदम फिक्स्ड है। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति है ठीक है, उसके पास 10 रुपया है, अब क्या हुआ क्या उसी के अब 15 रुपया आ गया ठीक है, तो इस 10 रुपया के बाद 15 रुपया जैसे ही आया तो क्या सामान को कौन सा सामान ज्यादा खरीदेगा कौन सा सामान कम खरीदेगा, तो ये हो गया क्या माइक्रो इकोनॉमिक टर्म। चाहे सब समझते हैं कि एक उसको पेन लेना है, पहले उसको पेन का प्राइस था 10 रुपया, अब 15 रुपया हो गया, तो अब क्या किया रहेगा वो कि वो पेन ज्यादा खरीदेगा, तो ये किसका टर्म आया इसी व्यक्ति से रूपये माइक्रो इकोनॉमिक का। पर यहाँ पर कौन सा, जैसे कि देखिए अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मान लीजिए उसको अब देने लगे पेन पे, उसको दे दिए क्या दे दिया कि पेन पर उसको अब उसको मिलने लगा स्कॉलरशिप, अब स्कॉलरशिप मिलने लगा तो उसके पास पैसा तो ज्यादा हो जाएगा है कि नहीं। अब इसके माइंड में कितना है, बहुत सारा पैसा, मतलब कि उसके पास मान लीजिए पहले 100 रुपया था, स्कॉलरशिप मिलने लगा तो 200 रुपया हो गया ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जब स्कॉलरशिप मिलने लगा तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आया, और सपोर्ट आया तो क्या करेगा वो पेन 15 रुपया का भी हो जाएगा तब भी वो ज्यादा ही कर देगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये गवर्नमेंट कहाँ से आया, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक से आया, तो मैक्रो इकोनॉमिक से अगर कॉन्सेप्ट स्टैटिक रहता, गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप को यहाँ पर मेंशन नहीं ना करते हैं, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट रहता ना कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड कम रहता है, लेकिन जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट हम लोग घुसा दिए, इस गवर्नमेंट को इसमें घुसा दिए ला के, तो घुसाने से क्या हुआ पूरा इस जो डिमांड जो कॉन्सेप्ट था डिमांड का वो घट गया, प्राइस बढ़ा पर उसका डिमांड नहीं बढ़ा, उसका डिमांड भी मतलब डिमांड भी उतना ही रहा, डिमांड घटा नहीं ठीक है। वहीं अगर क्या हुआ कि हम लोग मान अभी हम लोग क्या मानते हैं कि इसका जो है वो हम लोग नहीं रहेगा, वो हम लोग ये माइक्रो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है उसको हम लोग नहीं रखेंगे, तो सिंपल सा है कि अगर जैसे ही प्राइस 10 से 15 होता है ये डिमांड कम करने लगेगा ठीक है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म पढ़ते रहते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग फिक्स्ड मान लेते हैं, मानते हैं कि उसमें चेंज नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, चाहे नेशनल इनकम हो गया, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। वैसे ही जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़कर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या सोचते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है वो स्टैटिक है, किसी इंडिविजुअल लेवल का जो डिमांड और सप्लाई का जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक्स है इसके पढ़ते समय ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग क्लास 11th में हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, जैसे ही क्लास 12th में जाओगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक्स इशू और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेट टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या है कि इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए कि एक इकोनॉमी है तो इसमें पास्ट में, ये प्रेजेंट का टर्म है, तो पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब कि इकोनॉमी में पास्ट में क्या हो चुका है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मतलब कि क्या है, ये फैक्ट से रिलेटेड है, क्या है फैक्ट से रिलेटेड। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ हम लोग कैसे जानेंगे, कोई फैक्ट से जानेंगे, उसका कोई बुक्स थ्योरी वगैरह से जानेंगे, किसी हिस्ट्री से जानेंगे, मतलब कि ये फैक्ट्स रिलेटेड है, मेरे पास अवेलेबल है तभी ना उसको पढ़ेंगे, उस पर विश्वास करेंगे तब जानेंगे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है इकोनॉमी में, प्राइस गिर रहा है, प्राइस महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई घट रहा है, या फिर किसी कंट्री में कैसा गवर्नमेंट पॉलिसी ले रहा है, या फिर मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पर क्या लोग सोच रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है फैक्ट्स रिलेटेड है, ये भी क्या है फैक्ट्स रिलेटेड है। तो ये भी हम लोग कैसे जानेंगे, फैक्ट्स से, किसी डाटा से जो फैक्ट्स पर रिलेटेड रहेगा तो भी प्रेजेंट
हो गया, फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो प्रेजेंट में फैक्ट्स है उसी पे एस्टिमेट करेंगे ना फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि आज हम लोग पॉपुलेशन जो हम लोग का देश का है 130 करोड़ है, ठीक है 130, ठीक है, मान लीजिए जो इंडिया का पॉपुलेशन है जिस रेट से बढ़ रहा है, तो जिस रेट से बढ़ रहा है तो उस रेट्स के हिसाब से हम एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि 2050 में हम लोग का इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो सकता है। तो ये हम लोग जो एस्टिमेशन किए हैं फ्यूचर के बारे में वो किस पर फैक्ट्स रिलेटेड है। तो मतलब कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या हो रहा है वो किस पर डिपेंड, फैक्ट्स पर डिपेंड है, और उसी को हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। मतलब कि फैक्ट्स के हेल्प से पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम लोग पढ़ते हैं तो किसके अंदर आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इसको देखिएगा आप यहाँ पर पहला नंबर पे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। कहने का मतलब क्या है कि जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय पॉवर्टी ज्यादा था, आज के कंपेरिजन के उस समय इंडिया को ज्यादा इफेक्ट हुआ था पॉवर्टी से। तो ये किसके बारे में है, पास्ट के बारे में। तो किसके कैसे हम लोग जाने, किसी फैक्ट से रिलेटेड जाने, कोई डाटा होगा उसके हिसाब से जाने तब हमको पता चला कि पास्ट में क्या हुआ। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्रेजेंट। अब ये हम लोग को कैसे पता चला, प्रेजेंट में जो हुआ उसके हिसाब से। थर्ड क्या वो लिखा हुआ, इफ द पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एग्जिस्टिंग रेट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज 20% इन द ईयर 2020। ये बुक पहले का दिया हुआ है तो इसके बारे में बताया है कि जिस रेट से मान लीजिए 2011 में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा होगा तो उस हिसाब से एस्टिमेशन हुआ होगा 2020 तक क्या पॉपुलेशन इंडिया का हो जाएगा। तो इस किस पर डिपेंड हुआ, हम लोग इसी डाटा पे बेस्ड था, जिस रेट पता कैसे चला, कोई डाटा होगा उसके हिसाब से, कोई फैक्ट्स होगा तो कैसे पता चला, यही पॉजिटिव। तो ये हम लोग फैक्ट्स पर पता चला तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो मतलब क्या है, क्या है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को हम लोग डील्स करते हैं और वो किस पर डिपेंड होता है, किसी फैक्ट्स पर और रियलिटी पे बेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, दे स्टेटमेंट्स हाईलाइट द नेचर ऑफ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर इन द पीपल रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या हुआ है कि वो नेचर, किसी इकोनॉमी का नेचर करने का अलग अलग कंट्री का अलग अलग नेचर होता है, उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, ये सब क्या हम लोग स्टडी करते हैं और उस पर डिटरमाइन करते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कंडीशन जो इकोनॉमी में चल रहा है। देज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, क्या मैंने बताया फैक्ट्स पर रिलेटेड होता है, फिगर्स पर रिलेटेड होता है। आगे लिखा हुआ देश स्टेटमेंट्स आर वेरी फेमली ट्रूथ, कोई भी अज्यूम करके कुछ नहीं बोलता है, पास्ट में जो हुआ होगा वही बात होता है क्योंकि फैक्ट्स रिलेटेड होता है, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो भी फैक्ट्स है उसी पर हम लोग इकोनॉमी में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, और फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो प्रेजेंट की कंडीशन और पास्ट की कंडीशन से ही अज्यूम करते हैं, तो ये भी एक फैक्ट पर रिलेटेड होता है। तो आपका कंक्लूजन होगा जो आप खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो भी बहुत आसान सा है, इसको भी हम लोग अभी पढ़कर देखते हैं क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स इज व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होता है आप समझते हैं, व्हाट ऑट टू बी नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है वो रिलेटेड है व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। घर में आप बैठे हुए हैं, आपने डिसाइड किया मम्मी आज शाम को ये बनना चाहिए, तो ये क्या हुआ है, आप एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब कोई फैक्ट रिलेटेड नहीं है। चाय दुकान है चाय दुकान पर बात चल रहा है कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिहार गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, मतलब क्या रहा है, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो ये किसके अंदर में आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। ठीक है, मतलब ये किसी फैक्ट्स पर रिलेटेड नहीं होता है, किसी इंडिविजुअल के थिंकिंग पर रिलेटेड होता है, किसी के होता है थिंकिंग पर रिलेटेड होता है, जिसका जैसा थिंकिंग होता है वैसा एडवाइस देता है और वैसा ही बात करता है। उसके बाद देखिए जैसे कि एग्जांपल दिया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जिसका फुल फॉर्म है विल वन डे ब्रिंग द एंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री, मतलब क्या है
वन व्हील, मतलब हो सकता है कि इंडिया में अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, उसको अच्छा करे या फिर सुधार लाए। तो मतलब कौन, कोई आदमी है बोल रहा है कि मनरेगा ला देगा जाए, ला दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा कंट्री के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ये अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा। दूसरा आदमी बोलता है मनरेगा इज जस्ट प्रोग्राम फाइनेंशियल एड अनएम्प्लॉयड रूरल पीपल, मनरेगा रिमेन्स एज द अनप्रोडक्टिव वर्कर्स। वही कोई दूसरा व्यक्ति है वहीं पे बैठा हुआ है, बोल रहा है नहीं यार मनरेगा जो है बहुत खराब है, ये लोगों को बैठे बैठाए पैसा देना अच्छा बात नहीं है, ऐसे अनप्रोडक्टिव रह जाते हैं उन लोग, देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। ये दूसरा व्यक्ति का अपना सजेशन है या फिर अपना राय रख रहा है, ये कोई फैक्ट्स पर डिपेंड नहीं है। मनरेगा यूजेस द टैक्स पेयर मनी शुड बी ट्रांसफर टू बी स्टॉप, कर रहा है कि मनरेगा जो भी है, मनरेगा में हम लोग जो पैसा दिया जाता है वो हम लोग टैक्स पेयर, मतलब जो टैक्स पेयर का जो टैक्स देते हैं उसी का यूज किया जाता है, इसको स्टॉप कर देना चाहिए और उसी को ऐसा को देश के विकास में यूज करना चाहिए। तो हम लोग ने देखा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो कैरेक्टर्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। देखिए देश स्टेटमेंट्स आर इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, मतलब कि वैल्यू जजमेंट करने का मतलब किसी एक व्यक्ति का सोच, उसके भाव, उसके मन पर डिपेंड होता है, ये किसी फैक्ट्स, किसी बुक्स के फैक्ट्स पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं होता है, इसे बैठ के सोच में सोचने पर डिपेंड होता है। स्टेटमेंट्स लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, ये किसी व्यक्ति के बीच में डिबेट पैदा करता है या फिर डिबेट में जो होने वाली बातें होती हैं उसी के बारे में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। देयर स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनके इंडिकेट्स ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरिएबल टू ट्रुथ, ये ओपिनियन है तो सबका ओपिनियन अपना अपना हो सकता है, जो अपन मेरा ओपिनियन साथ आपका ओपिनियन ना हो, जो आपका हो आपके फ्रेंड्स का ना हो, सबका अलग अलग हो सकता है, ऐसे हम लोग फैक्ट्स में इसको वेरिफेबली ट्रुथ नहीं मानते। स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द व्हाट ऑट टू बी, मेन यही है क्या होना चाहिए, मतलब क्या ये पर्सनल थिंकिंग है, ये कोई फैक्ट से रिलेटेड नहीं है और कोई पास्ट या फिर फ्यूचर जो डाटा है उसके हिसाब से नहीं है, ये अपने सोच पर है। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये जो आदमी सोचता है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। बस आपको देखना यह है कि किस तरह से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक कंट्री को इफेक्ट करता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है यूजुअली एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति बात करता है, पर ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कोई भी कर सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरी ट्रूथ होता है, पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बस व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए सजेशन करता है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है एक कोई सिंसियर व्यक्ति कर सकता है, पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कोई भी करता है और इस पर विश्वास करना मुश्किल है। और कहने का मतलब ये है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जैसा सजेशन टाइप होता है, पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स होता है, यूजुअली ये वेरीफेबली होता है, वेरीफेबल होता है, और इसे हम लोग डाटा और फैक्ट्स पे ही कोई बात होता है, पर इसमें डिबेट पर हो सकता है। तो आगे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग, मतलब कि जो इकोनॉमी में, मतलब कि कोई भी लोग अपना जिंदगी जीने के लिए डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज करते हैं, कोई फार्मर है तो खेती करता है, टीचर्स है तो स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए, डॉक्टर्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फार्मर्स को फील्ड जाते हैं अपने जो प्रोडक्शन करने के लिए, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है वो इंडस्ट्री जाता है। मतलब सिंपल सा है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई डिफरेंट एक्टिविटीज करता है जिससे कि वो अपना लिविंग अर्न कर सके, अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो खर्च है उसे जुटा सके। ठीक है, द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय पीपल ऑफ एन एरिया वुड बी रिवील्ड सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ द एरिया अर्न अ लिविंग, जब वही कोई हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है, एक टीचर टीचिंग कर रहा है, एक फार्मर खेती कर रहा है, तो ये सब मिलकर क्या बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। तो जब एक दूसरे पर डिपेंडेंस है तो क्या है, तो ये इकोनॉमी क्या है कि एक एरिया है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एक कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री बोल सकते हैं, जिसके अंदर में कोई भी व्यक्ति अपना लिविंग अर्न करता है।
तो सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग इकोनॉमी में क्या दे सकते हैं, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल एंड अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें पीपल अपना अर्न लिविंग लिविंग को अर्न करते हैं या फिर रोजमर्रा जिंदगी के लिए पैसा कमाते हैं और कोई काम करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में हम लोग सकते हैं, जब टीचर टीचिंग कर रहा है तो एक इकोनॉमी के अंदर कर रहा है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जा रहा है, तो सब मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, वही सिस्टम क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इकोनॉमी दो तरह का होता है, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो सिंपल इकोनॉमी क्या पढ़ते हैं, एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच नीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कोई व्यक्ति है, फार्मर्स है, खेती कर लेगा, लेकिन अगर वो जब बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा। तो अगर डॉक्टर है खुद अगर किसी का इलाज कर सकता है, पर अगर उसको अपने खुद डॉक्टर बनने के लिए किसी एक टीचर को जरूरत होता है, तो मतलब क्या है, ये इंटरडिपेंडेंस है। अगर कोई टीचर है तो उसे कुछ भी गुड्स चाहिए होगा, गुड्स किसी के पास मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे पास मिलेगा। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए। तो जब यही इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो ये इकोनॉमी सिस्टम है, और यही एसेंस ऑफ इकोनॉमी भी है। इकोनॉमिक का एसेंस नहीं, इकोनॉमी का एसेंस, मतलब इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है कि हर लोग एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो जब एक दूसरे से लोग जुड़ा होता है, एक सिस्टम क्रिएट करता है जिसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। और यही सिस्टम जब किसी इकोनॉमी के अंदर मॉडरेट होता है, मतलब कि ना ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है पर बहुत ज्यादा नहीं, मीडियम में, तो हम लोग सिंपल इकोनॉमी होता है। ठीक है, वी कैन से दैट द म्यूचुअल इंडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। मैंने बताया आप सभी को कि इकोनॉमी के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना जरूरी है। इकोनॉमी में हर लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और सिंपल इकोनॉमी हुआ है जिसमें यह इंटरडिपेंडेंस का जो डिग्री है वो मॉडरेट होता है। यहाँ पर आप डिफिनेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, यह सिंपल इकोनॉमी इज द वन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। तो मॉडरेट डिग्री में होगा तो क्या होगा, सिंपल इकोनॉमी होगा। पर वही जब मॉडरेट की जगह पे हाई डिग्री हो जाएगा, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट ज्यादा रहने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। जैसे देखिए सिंपल इकोनॉमी कॉन्ट्रास्ट विथ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, अनलाइक इन अ सिंपल इकोनॉमी द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सचेंज इज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज वेरी हाई। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होता है, वेरी हाई होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी सिंपल इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए सिंपल इकोनॉमी में इनकम ऑफ पीपल लो होगा, जब इनकम ऑफ पीपल लो होगा तो डिमांड कम करेंगे, जब डिमांड कम करेंगे तो एक दूसरे की जरूरत कम पड़ेगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट कम होंगे। लेकिन जैसे ही इनकम का डिग्री ज्यादा हो गया, देखिए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इनकम ऑफ लेवल पीपल है हाई, पीपल का बीच में जो इनकम लेवल है, जो इसको इनकम है वो बढ़ गया, जब इनकम बढ़ जाएगा तो हम जब ज्यादा चीज का डिमांड करने लगेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। आप इसका सिंपल सा उपाय देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गरीब देश है, वहाँ पर कम लोगों का जो क्या बोलते हैं इनकम है, तो क्या है, मतलब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का मांग कर रहे हैं, तो वो बस रोटी कपड़ा मांग रहे हैं या फिर मकान का बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों का इनकम बढ़ता है तब वो अब घर का खाना खाने के साथ साथ रेस्टोरेंट का भी मांग करने लगते हैं, रेस्टोरेंट के साथ सिनेमा हॉल का मांग करते हैं, मार्केट का डिमांड करने लगते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी का मांग करने लगते हैं। तो जब सिंपल इकोनॉमी क्या होगा, जहाँ पर इनकम पीपल लो होगा तो लो डिमांड करेंगे, तो जिससे इंटरडिपेंडेंट है लोगों पर, एक दूसरे पर जो इंटरडिपेंडेंट बन रहा था वो कम था, इतना लोगों की जरूरत नहीं हो रहा था। पर जैसे ही हम लोग अब जैसे ही लोगों का मन में अब जैसे ही लोगों के पास इनकम ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगा, सिनेमा हॉल हो गया, चाय रेस्टोरेंट हो गया, कैफे हो गया वगैरह वगैरह, डिफरेंट सर्विसेज होने लगा, तो क्या हुआ, जब हम लोग का इनकम बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट इनर्मस, मतलब वांट्स होंगे, एक से ज़्यादा वांट्स होंगे पर ज़्यादा वांट्स नहीं, उस बहुत ज़्यादा वांट्स नहीं होंगे। जैसे कि मैंने देखा था आपको कि रोटी कपड़ा मकान का मांग की है, पर अभी जो गरीब देश है वो ज़्यादा चीज़ों का मांग नहीं करेगा। पर ऐसे ही वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जैसे ही बढ़ेंगे तो हम लोग वांट्स तो सिंपल वांट्स रहेगा ही, साथ साथ और ज़्यादा वांट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इज लिमिटेड, सिंपल इकोनॉमी म्यूचुअल इंडिपेंडेंस कम है क्योंकि यहाँ पर लोगों का डिमांड कम है,
और जैसे ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में आएंगे तो इंटरडिपेंडेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम बढ़ जाता है और लोग एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंड रहने रहते हैं, डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट एंड डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई। इसमें डिग्री ऑफ एक्सचेंज, अब देखिए यहाँ पर एक्सचेंज किस चीज़ का, रोटी कपड़ा मकान का ही हो रहा है, पर जैसे ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है वहाँ पर अलग अलग चीज़ का सर्विसेज का हो रहा है, कहीं रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, अब इंश्योरेंस होगा, कहीं ऑटोमोबाइल्स शॉप होगा, चाहे फिर लैपटॉप शॉप होगा, सर्विसेज होगा, चाहे फिर और बहुत तरह का सर्विस होगा, एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल होगा, तो ये सब के लिए भी एक्सचेंज बढ़ेगा। तो कब बढ़ेगा, जब कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करेंगे, और सिंपल इकोनॉमी में लिमिटेड एक्सचेंज रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, टाइप ऑफ इकोनॉमी। देखिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे लिए क्या क्या है, वो है एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक एक्टिविटी हो गया हमारे लिए। सेकंड है कंजप्शन, जब प्रोडक्शन होगा तो कंजप्शन होगा, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, एंड चौथा है एक्सचेंज। इसको एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, देखिए कोई बिजनेसमैन है, उसने डिसाइड किया कि मैं बुक प्रोड्यूस करूंगा, क्या करूंगा, बुक प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, अब ये तो डिसाइड कर लिया और ये बना दिया, क्यों बनाया, कि उसको कोई खरीदने वाला होगा, है ना, तो वो क्या किया होगा, खरीदने के लिए कोई दुकानदार होगा तो वो एक्सचेंज करता होगा इसके पास से लेके कंज्यूमर के पास तक। तो क्या हुआ, यहाँ प्रोडक्शन हुआ, यहाँ कंजप्शन होगा, बुक को पढ़ेगा लोग, है ना, यहाँ पर लोग बुक को क्या पढ़ेगा, पढ़ेगा, तो ये कंजप्शन हो गया। इस बुक को यहाँ से यहाँ तक कौन पहुँचाएगा, कोई शॉप होगा, कोई रिटेलर शॉप होगा, तो वो उस रिटेलर शॉप के पास एक तो दुकान होगा, उसमें बहुत सारा बुक होगा अलग अलग टाइप का, तो वो होगा एक्सचेंज हो गया। अब ये जब प्रोडक्शन कर रहा होगा तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, कहीं से लोग, कहीं कोई लोग उस पर इन्वेस्ट किया होगा, चाहे भी जो ये कंजप्शन कर रहा है वो पैसा दिया होगा, जब खरीदेगा बुक तो पैसा देगा ना, तो बुक जब फिर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, फिर से नया बुक आया होगा, तो मतलब कि ये इन्वेस्ट किया कौन, किया प्रोड्यूसर, इन्वेस्ट किया बुक बनाया, उसको रिटेलर एक्सचेंज किया, एक कंजप्शन कंज्यूम किया, तो देखिए प्रोडक्शन हुआ, कंजप्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ और एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब भी आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, तो बोल सकते हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। तो अब देखिए, अब ये हमारा कौन सा टॉपिक चला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बगल में है टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर अलग अलग कंट्रोल होता है, कितना डिग्री ऑफ कंट्रोल रहेगा, कितना कम, कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट भी रहता है किसी देश में, किसी बिजनेसमैन रहता है, कंज्यूमर रहता है, ये तीन तरह के लोग अवेलेबल होते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, गवर्नमेंट, कि कहीं कंज्यूमर के साथ कोई गलत है, कोई गलत नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है अपने देश का भला करना, वेलफेयर करना, तो वो देखेगा ना कि जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स, उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो वो देखने के लिए यहाँ रहता है। साथ ही इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, तो किस तरह से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर डिग्री कंट्रोल करता है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, किस चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडीज देता है और साथ साथ टैक्स भी लगाता है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो उसी इकोनॉमी में अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग कंट्रोल होता है, और कंट्रोल के हिसाब से हम इकोनॉमी का टैक्स डिसाइड करते हैं। तो यहाँ इकोनॉमी का टैक्स देखना है, तो यहाँ पर देखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन से हैं और उसको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, कैसे करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए तो कंट्रोल के हिसाब से हम लोग तीन कैटेगरीज में हम लोग बांट दिए हैं इकोनॉमी को। पहला है कंट्रोल इकोनॉमी और इसी को हम लोग दूसरा नाम से बोल सकते हैं, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर है
फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी एक नाम है, जिसका नाम क्या हो सकता है, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इसका तीनों का हम लोग देखेंगे क्या डिफिनेशन है और क्यों इस पर बांटा गया है। इसको हम सिंपली यहाँ भी लिखा हुआ है, पर हम लोग यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए तीनों के बीच में डिफरेंस लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का डिफिनेशन भी लिखा हुआ है और डिफरेंस क्या है यहाँ से हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, तो सेंट्रल प्लान एक प्लान इकोनॉमी क्या है, जिसमें कि गवर्नमेंट प्लान करता है वही चीज का प्रोडक्शन होता है, वही चीज का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करेगा कंज्यूमर के लिए। गवर्नमेंट बोल दिया कि सिर्फ हमारे देश में कंज्यूमर गुड बनेगा, कहने का मतलब जिससे लोगों का वेलफेयर हो हमारे गुड्स। अगर हम गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया कि हमारे जो भी देश में इस तरह का कोई भी शराब या फिर सिगरेट वगैरह नहीं बनेगा तो उस देश में नहीं बनता है। तो मतलब कि ये सारा डिसीजन किस पर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है वही गुड्स बनता है, ठीक है। इसमें प्रोड्यूसर का कोई भी डिसीजन नहीं चलता है, सारा डिसीजन किसका चलता है, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर इसका डिफिनेशन से समझ सकते हैं, देश इकोनॉमीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमीज एक्टिविटीज प्रोडक्शन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज आर द फ्रेंडली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ सम सेंट्रल अथॉरिटी। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है वही डिसाइड करता है क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या और किस चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही इसी हिसाब से दूसरा जो है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर होता है वो फ्री होता है किसी चीज़ का गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए और वह उसको ही कंज्यूमर कंज्यूम करता है। मान लीजिए कि मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड रहेगा, जिससे प्रोड्यूसर को ज़्यादा, प्रोड्यूसर किस कौन सा गुड प्रोड्यूस करेगा जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिस चीज़ का प्रॉफिट होगा वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा और उसी गुड्स प्रोड्यूस करेगा वही गुड्स बेचेगा वही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल कुछ भी नहीं होता है, गवर्नमेंट का रोल कुछ भी नहीं होता है। ये सिंपली किस पर डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर पर, कि प्रोड्यूसर किस कौन सा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। तो जैसे कि हमारा देश यूएसए यूके वगैरह जो भी है उसमें सारा कुछ बिजनेसमैन पे डिपेंड होता है। अब बिजनेसमैन कहाँ रहते हैं, मार्केट में, तो इसलिए इसको मार्केट कंट्रोल इकोनॉमी भी बोला जा सकता है। मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड बढ़ गया, मान लीजिए कि अभी सीजन आ गया दशहरे का, दशहरे में जिस चीज़ का डिमांड रहेगा वही चीज़ बिकेगा। मान लीजिए होली का डिमांड, होली आ गया, होली में क्या चीज़ का डिमांड है, क्रिसमस आ गया, क्रिसमस में किस चीज़ का डिमांड है, तो वही चीज़ मार्केट में बन रहा है, वही चीज़ बिक रहा है। मान लीजिए कि किसी देश में साड़ी का डिमांड बहुत ज़्यादा, तो साड़ी बिक रहा है। चाहे गवर्नमेंट इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेता, सारा डिसीजन किसका रहता है, तो सिर्फ बिजनेसमैन का। अब मिक्स्ड इकोनॉमी सिंपल है, जब इस दोनों को हम लोग मिक्स्ड कर देंगे तो यही मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसका डिफिनेशन हम लोग किस तरह से ले सकते हैं कि इसमें प्रोड्यूसर भी कुछ डिसीजन लेता है और कुछ गवर्नमेंट भी लेता है डिसीजन। गवर्नमेंट फ्री छोड़ता है प्रोड्यूसर को कि आप डिसीजन लीजिए, और जहाँ डिसीजन गलत होता है फिर गवर्नमेंट आकर कंट्रोल करता है। जैसे कि इंडिया में, तो इंडिया में सारा जो जिस चीज़ का प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, पर जैसे ही गवर्नमेंट को लगने लगता है कि ये कोई गलत चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए कि कोई स्टेट में लगने लगा कि यहाँ ज़्यादा शराब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा है, गांजा ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा है, तो क्या करेगा वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा और वहाँ पर उसको गाइड करेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कोई गुड्स है जो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कि पूरे देश में अकाल पड़ गया है, गेहूं का कमी है, रोटी लोगों को रोटी नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देगा कि आप प्रोडक्शन कीजिए कंज्यूमर गुड्स का, जिससे लोगों का जो भूखमरी जैसा कंडीशन आ जाता है वो दूर हो पाए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा गुड्स को क्या बोलते हैं, और कंट्रोल इकोनॉमी क्या होता है, फ्री इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। नेक्स्ट इसी में बीच में डिफिनेशन दिया हुआ है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर है उसी पर
ये सब कुछ डिपेंड रहेगा। शुभम शुभम, अरे ये काटी तो आग लग रहा है ना, थोड़ा सा एक काट लिया ठीक है। ये देख सुन ना, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जहाँ तक बता लिया ना, ओकर बाद थोड़ा सा मैं आग लो है थोड़ा देर रह दिया, फिर थोड़ी देर बाद काट दिया ठीक है। जब सेकंड पॉइंट देख बता दिया यहाँ से स्टार्ट करें ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड पॉइंट है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो जब सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, लोगों का भला हो। तो ये सारा जो डिसीजन होगा गवर्नमेंट का वो लोगों के लिए होगा, वेलफेयर उनके वेलफेयर के लिए होगा। और लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी का जो भी डिसीजन होगा वो प्रॉफिट के लिए होगा। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर तो चाहता है भाई कि जो जितना भी हो सके मेरा प्रॉफिट हो। तो क्या है, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का भी मोटिव होता है प्रॉफिट करना, इसलिए इस इकोनॉमी में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। चलिए नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, सोशल वेलफेयर विथ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट भी चाहेगा सोशल वेलफेयर भी चाहेगा। मतलब फर्स्ट डिसीजन होगा कि प्रॉफिट कमाए लेकिन सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट चाहता है कि प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाए पर कोई गलत काम ना करे जो इकोनॉमी के लिए गलत हो या फिर कोई भी अनलीगल काम ना किया जाए। नेक्स्ट है द कंज्यूमर इज नॉट अ सॉवरेन, मतलब है कि कंज्यूमर जो चाहता है उसे वो नहीं मिलता है। मान लीजिए कि कंज्यूमर चाह रहा हो कि हमको कोई गुड्स मिले, जैसे कि अब कंज्यूमर चाहता हो कि हमको अगर जैसे कि कोई ऐसा भी कंज्यूमर होगा जिसको मन होगा कि हमको वाइन मिले, तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करता है तो उसे वाइन नहीं मिल सकता है। पर मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर ये जो भी कस्टमर चाहता है उसको उस तरह का गुड्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाना मोटिव है। अगर लोग डिमांड करेंगे तो वहाँ प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ जो भी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें सॉवरेन भी होता है, बट थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल होने के कारण नॉट सॉवरेन भी होता है। सॉवरेन मतलब कंज्यूमर का वांट पूरा हो पा रहा है या नहीं, ठीक है, कंज्यूमर को जो भी मांग कर रहा है वो अच्छे से पूरा हो पा रहा है या नहीं। अगर हो पा रहा है तो वो सॉवरेन है, नहीं तो ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ऑन्ड बाई द गवर्नमेंट, मतलब ज़्यादातर रिसोर्सेस होगा, जैसे प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होता है, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस वगैरह जितना भी है वो सब कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है तो वो गवर्नमेंट के ही अंदर सारा रिसोर्सेस होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो सारा रिसोर्सेज किसके प्राइवेट के हाथ में होगा, किसके अंदर में हाथ होगा, प्राइवेट्स के हाथ में। और थर्ड मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा प्राइवेट के हाथ में भी होगा और थोड़ा प्रोड्यूसर्स के भी हाथ में होगा, ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट के हाथ में होगा, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डोमिनेट करेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट इकोनॉमी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर करेगा क्योंकि बिजनेसमैन, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में कौन है, बिजनेसमैन से है, प्राइवेट कंपनीज है, तो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करने का मतलब किसका ज़्यादा वहाँ पर बोलबाला रहेगा या फिर जिसका डिसीजन लिया जाएगा, किसका डिसीजन माना जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में रहेगा, तो प्राइवेट सेक्टर ही डोमिनेट करेगा। साथ ही लेकिन जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए या कौन सा गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं। तो इसमें दोनों डोमिनेट करेंगे, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स भी और प्राइवेट सेक्टर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और नेक्स्ट चैप्टर का वेट कीजिए।